इस खत को सीता महालक्ष्मी तक तुमको ही पहुंचाना है। सुनो, पर हालात इजाजत नहीं दे रहे। मैं यहाँ इतनी दूर राम का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीतारामम मूवी की। अब ये मूवी, मैं आपको इससे पहले एक फैक्ट बता दूं कि ये मूवी 5 अगस्त को तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज हो चुकी है। साथ ही साथ इसका हिंदी में इतना भी तगड़ा क्रेज था, तगड़ा क्रेज ऐसे मान लो कि भाई इस मूवी को मुझे भी देखना बहुत था कि यार ये मूवी क्या होगी, क्या होगी इसकी स्टोरी। बट ये मूवी 2 सितंबर को हिंदी भाषा में रिलीज की गई। अब जब मैंने 2 सितंबर को इसके मूवी का टिकट बुक करवाए, तब मूवी के सारे शोज हो गए कैंसिल और मुझे रिफंड वापस आया और मुझे मजबूरी में 3 सितंबर को ये मूवी को देखना पड़ा और वही मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो हुआ। और जब मैं सिनेमा हॉल के अंदर गया, दो चीज़ें मुझे बड़ी बेकार लगी। एक तो पहले की सिनेमा के पहले अंदर गया, वहाँ पर मुझे कहीं भी पोस्टर्स नहीं दिखे सीतारामम के, वो चीज़ में थोड़ी सी अटपटी लगी। और सेकेंड, जब मूवी हॉल के अंदर गया तो मुझे जैसा उम्मीद थी कि ये मूवी का ट्रेलर जो मैंने देखा तो लगा था कि तगड़ी मूवी जाएगी, काफ़ी ऑडियंस होगी ऐसा सोचा था। पर सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 लोग इस मूवी को देखने आए थे टोटल, मुझे इंक्लूड इन करके। अब मूवी की स्टार्ट होता है 1964 की ये लव स्टोरी। अब इसको ये ऐसी क्लासिक लव स्टोरी है ना, मतलब देख कर रश्मिका मंदाना या फिर मुरलाल ठाकुर या सलमान, और इनकी जो एक्टिंग थी ना भाई पूरे गजब। मतलब एक मोमेंट ऐसा नहीं लगा कि इस मूवी को छोड़ा जा सके, एक एक मोमेंट में एक एक चीज़ों को, एक एक डायलॉग्स, ऐसे ऐसे डायलॉग्स। और यह नहीं कि कोई बहुत तगड़े डायलॉग जो मैं आपको बोल दूं तो आप भी उसको जीवन भर याद रखें, ऐसे कोई डायलॉग्स नहीं थे। डायलॉग्स ऐसे जिनका अगर अभी ये डायलॉग्स बोला गया तो आधे घंटे बाद या 50 मिनट बाद, मतलब कि मूवी के सेकेंड हाफ पर आपको उस डायलॉग जो बोला गया उसकी वहाँ कनेक्टिविटी दिखेगी। तो कुछ कुछ मोमेंट तो ऐसे थे ना कि यार रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए कि यार क्या ही बना दी मूवी को। और मूवी की स्टोरी भाई, फैन हो गया इस मूवी की स्टोरी का कि यार ऐसी भी स्टोरीज बन सकती है जहां पर KGF, पुष्पा, RRR और यहां विक्रम वेदा आने वाली है, PS1 आने वाली, ब्रह्मास्त्र आने वाली है, समझे। इस तरह की स्टोरीज चल रही है इस समय पे और अच्छे से चल रही। कार्तिकेय 2 हो गई, वहां पर एक लव स्टोरी का मतलब पॉपुलर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि ऐसी मूवी कोई देखे भी। पर इसमें जो स्टोरी भाई डाली ना उन्होंने, मजा ही आ गया। आपको याद आएगा वीर ज़ारा, आपको याद आएगी वीर ज़ारा के अलावा कौन सी ऐसी मूवी थी, हाँ आपको वीर ज़ारा याद आएगी, आपको गदर याद आएगी, ऐसी स्टोरीज आएगी। पर अब इससे आप ये प्रेडिक्ट मत करें कि ये वीर ज़ारा या गदर कैसी मूवी होगी, उससे कई गुना ऊपर है। इसकी स्टोरी प्ले अगर 100 होने चाहिए तो 200 मार्क्स इसको मिलने चाहिए 100। और एक्टिंग में मुरलाल ठाकुर ने जो एक्टिंग की है ना, मान मतलब लाजवाब, क्या कहें उनको कि उनकी वो एक्टिंग स्पीचलेस बोल सकते हैं। आपने अभी तक की बहुत सारी, मैंने आपको बॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू किया और उसमें मैंने बताया या साउथ की मूवीज़ का भी बताया, बट इस मूवी में आपको सब कुछ ट्रेडिशनल वे में दिखेगा। वो जो प्यार है ना उस, वो जो आग है एक अंदर इंसान के, उसको इतने प्यार से दर्शाया गया ना उसमें। कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं, किसिंग सीन्स नहीं, और अंडबंडी की चीज़ें जो लगाई जाती है ना जिससे कि मूवी को पॉपुलैरिटी मिले, फेम मिले, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। सब कुछ रियलिस्टिक लगेगा आपको और आप एक एक पल को महसूस कर पाएंगे एक हीरो और हीरोइन के। और साथ ही साथ इस मूवी में जो डांस किया ना, मतलब डांस के वो कुछ सीन्स जो मुझे मुरलाल ठाकुर के इतने तगड़े लगे, इंटरवल से पहले के सीन थे वो इतने तगड़े लगे कि यार। और जब इंटरवल आया ना तो वो एक क्लाइमैक्स के तौर पे उन्होंने एक ऐसी चीज़ छोड़ दी कि जो पूरा स्टोरी आप फर्स्ट हाफ में सुन रहे थे और लास्ट के इंटरवल आने से 2 मिनट पहले उन्होंने एक ऐसी चीज़ दिखा दिया, ऐसा समझा दिया, बता दिया कि आपका दिमाग बिल्कुल यूँ घूम जाएगा कि मतलब 360 पे कि मैं क्या देख रहा था और अचानक से क्या हो गया। फिलहाल इंटरव्यू जब खत्म होता है उसके बाद की मूवी, अगर फर्स्ट हाफ को 100 out of 100 मिलना चाहिए तो सेकंड हाफ को मैं बोलता हूँ कि 100 out of 200 मिलना चाहिए। एक एक मूवमेंट में आपको मजा आएगी। और साथ ही साथ रश्मिका मंदाना ने जितना भी काम किया, थोड़ा ही काम किया पर वो तगड़ा काम किया। हीरो की एक्टिंग लाजवाब, हीरोइन की एक्टिंग लाजवाब, लाइगर तो चली गई पिट गई पर ये लाजवाब। सीतारामम को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप देखो ये मूवी जरूर 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 देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी आपको बहुत प्यारी लगेगी और स्क्रीन प्ले में आप बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही थी। ये नहीं कि आप कहीं फंस रहे हो, कहीं बोर हो रहे हो। अब पता नहीं यार, हो सकता हो कि इंडियन ऑडियंस को या यहाँ के लोगों को ये मूवी नहीं समझ में आई या जो भी रीज़न हो, क्योंकि इसका प्रमोशन भी इतना नहीं हुआ ना, तो हो सकता हो कि लोग इसको ना देखने गए या फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे, पर बाद आगे आने वाले समय में देखेंगे। क्योंकि मैंने बुक माई शो पे इसके सेकंड डे के शोज देखे तो काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयर टू फर्स्ट शो के, और इस हिसाब से तो मूवी काफ़ी मुझे अच्छी लगी। एक और बेस्ट पॉइंट इस मूवी का कि समय समय पर जो गाने आए थे वो भी सही समय पर आए थे। और देखिए वो गाने तमिल और तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में बने थे और उसको हिंदी में डब किया गया,
तो गाने आपको इतने मतलब बेहतरीन निकल के नहीं आएंगे, पर जो भी गाने ना उसमें भी एक ट्रेडिशनल वे दिखाया गया तो वो चीज भी बहुत तगड़ी लगेगी आपको। कोई ऐसा गाना आपको नहीं मिलेगा कि इसको आप लंबा या मूवी हॉल के बाहर तक निकल के याद रख पाए, गुनगुना पाए, ऐसा गाना नहीं मिलेगा, सीधे सी बात है। पर फिर भी आप जब तक पूरी मूवी बनाएंगे फील के साथ, इस पूरी मूवी को शुरुआत से लेकर एंड तक खत्म करेंगे, और मूवी की स्टार्टिंग जहां एक मिनट जहां से स्टार्ट हुई थी वहां, और मूवी लास्ट मिनट में जहां खत्म हो रही, वो इन दो के बीच की कनेक्टिविटी इतनी तगड़ी है कि ना कि आप यहां से यहां तक के बीच का जो रास्ता जो सफर तय करेंगे उसमें आपको पहले तो बोरियात नहीं फील होगी और लास्ट तक भी आप नहीं समझेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बस यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था इस मूवी को लेकर। मूवी को जरूर जाकर सिनेमा घर पर देखिए, अपने वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए MBM मूवीबाज एलियन को। मिलता हूँ अगले वीडियो में।